50 साल बाद भारतीय वॉलीबॉल टीम में हुआ बिहार की बेटी का चयन, जानिए इनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बिहार वॉलीबॉल से कई सालों बाद किसी महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। जी हां, बिहार की खुशी कुमारी ने प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। इनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष अब रंग लाया है, जो जी तोड़ मेहनत करने के बाद खुशी अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के लिए चुनी गई हैं। खुशी के अलावे गया के रहने वाले ऋषि लाल आज़ाद का चयन भी बेंगलोर में होने वाले साई के नेशनल वॉलीबॉल कैंप के लिए हुआ है। वहीं भारतीय महिला टीम में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बेटी का सिलेक्शन हो जाने के बाद सभी के बीच खुशी की लहर है। खुशी के घर वाले खुशी की इस सफलता से बेहद खुश हैं। यहां तक खुशी के पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। आपको बता दें कि खुशी बिहार औरंगाबाद के गंगटी गांव की रहने वाली हैं। वर्ष 2016 में इनके पिता का निधन हो गया था। खुशी के 5 भाई बहन हैं, जिनमें से ये सबसे छोटी हैं। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माँ पर सभी की जिम्मेदारी आ गई थी। खुशी बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल रही हैं। शुरू शुरू में तो स्कूल स्तर पर ये कई खेलों में भाग लेती थी। खुशी कबड्डी समेत और भी कई खेलों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। जब खुशी 12वीं कक्षा में थी तब ये वॉलीबॉल टीम में शामिल हुई थी। लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहने के कारण आज उनका चयन भारतीय टीम के लिए हो गया है। अभी खुशी स्नातक पार्ट 2 में है और अंग्रेजी से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम में खुशी का चयन 200 लड़कियों में से हुआ है। इन्होंने बताया कि एक बार ट्रायल के दौरान ये वॉलीबॉल के कोच अमन से मिली थी, जिनसे आगे चलकर काफ़ी सपोर्ट मिला। दरअसल बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सब इंस्पेक्टर संजय सिंह और कांस्टेबल अमन कुमार व ममता के अधीन खुशी ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षण लिया था। खुशी ने अपने इस सफलता के पीछे अपने घर वालों का सपोर्ट बताया है। खुशी ने बताया कि उनके घर वाले उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिस वजह से आज ये इतना आगे आ चुके हैं। इन्होंने बताया कि प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक पहुंचने के लिए कई बाधाएं बीच में आई, लेकिन परिवार वालों का साथ रहा, इसलिए आज वे नेशनल टीम में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि संघर्ष के दौरान कई लोग उन्हें डराते थे। उनका कहना था कि ये सुरक्षित नहीं है, लड़की हो कैसे करोगी, लेकिन घर वालों का साथ मिलता गया, इसलिए जीवन में जो भी परेशानियां आई वे उसे दूर करती गई। आपको बता दें कि खुशी की हाइट 6 फीट है। वॉलीबॉल जैसे खेल में लंबे हाइट के खिलाड़ियों की ही जरूरत होती है। लंबे हाइट के खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से परास्त करने में सक्षम होते हैं। अच्छी हाइट के साथ ही खुशी का खेल प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। आपको बता दें कि खुशी जिला से लेकर राज्य स्तर तक 12 से 13 प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। लगभग सभी प्रतियोगिता में इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसकी सराहना भी हुई है। उन्होंने कई अवार्ड और ट्रॉफी अपने नाम किए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी मेहनत जारी रहेगा। अभी वे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हैं, जिससे राज्य का मान बढ़ा है। वे अब इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी बनना चाहती हैं। इंडियन टीम के साथ मिलकर वे कई देशों के खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहती हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविचंद्रन शंकरन, बिहार वॉलीबॉल संघ के अधिकारी और कई लोगों ने दोनों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।